आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं, यानी पहले ब्याह कोंढाणा किले का होगा फिर मेरे रायबा का होगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसने ये कालजयी फिकरा न सुना हो। ये शब्द थे नरवीर कहलाए गए मराठा सूबेदार तानाजी मालुसरे के, जिन्होंने अपने बेटे की शादी से ज़्यादा अहमियत स्वराज्य के काम को दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर कोंढाणा किला मुगलों से छुड़ाने चल दिए और फिर लौट नहीं पाए, शहीद हो गए और अमर भी। ये साल 1670 की बात है। ये वो वक्त था जब औरंगजेब की कैद से छूटकर शिवाजी महाराज राजगढ़ वापस आ चुके थे। पुणे के नज़दीक का कोंढाणा किला अभी भी मुगलों के कब्जे में था। माँ जिजाऊ ने आदेश दिया कि कोंढाणा को वापस ले लो और शिवाजी महाराज पूरी शिद्दत से जुट गए। इसी दौरान तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज को अपने बेटे की शादी का न्योता देने पहुंचे। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती दिनों के साथी थे। वो अपने इकलौते बेटे रायबा के ब्याह की तैयारी में जुटे हुए थे। न्योते को स्वीकार कर शिवाजी महाराज ने कहा, आप रायबा का विवाह निपटा लीजिए, मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे कोंढाणा की लड़ाई पर जाना है। ये सुनते ही तानाजी बाकी सब भूल गए। महाराज से बोले, महाराज जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको ऐसे किसी जोखिम भरे काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले कोंढाणा का लगन होगा, उसके बाद मेरे रायबा का। कोंढाणा की लड़ाई पर मैं ही जाऊँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वापस लौटकर बेटे का ब्याह करूंगा और अगर मैं नहीं रहा तो आप उसकी शादी करवा देना। इतना कहा और निकल गए तानाजी कोंढाणा की चढ़ाई पर। 4 फरवरी 1670 की रात को तानाजी और उनके साथी किले की पश्चिमी कगार के पास पहुंचे। एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हुए वो ऊपर पहुंच गए। एक पेड़ से रस्सा बांधा गया जिसका सहारा लेकर तानाजी और उनके साथी ऊपर चढ़ गए। ये भी बताया जाता है कि किले की दीवार पर चढ़ने के लिए उन्होंने यशवंती नाम की एक गोह का इस्तेमाल किया था। गोह यानी वो जानवर जिसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि लाख कोशिश करने पर भी न छूटे। महाराष्ट्र में इसे घोरपड़ कहा जाता है। तो इस घोरपड़ उर्फ गोह की कमर में रस्सा बांधकर उसे ऊपर फेंका गया। जब दीवार की दरार में उसके पंजे मजबूती से गड़ गए तब तानाजी और उनके साथी उस रस्से के सहारे ऊपर चढ़े। लड़ाई शुरू हो गई, घनघोर युद्ध हुआ। तानाजी के सैनिकों ने कोंढाणा किला जीत लिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। तानाजी मालुसरे को जान देनी पड़ गई थी। शिवाजी महाराज को समाचार मिला कि गढ़ तो मिल गया है लेकिन शेर जैसा शूरवीर तानाजी मारा गया। वो बोले, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी किला तो फतेह कर लिया गया है लेकिन शेर नहीं बच पाया। तब से कोंढाणा को एक और नाम मिला, सिंहगढ़। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा दी लल्लन टॉप का रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें होती है रोज एक किताब और उससे संजोए गए किस्से। हिंदुस्तान के हर किले में अतीत के विशेष लम्हों की कहानियां छिपी है। इन किलों ने न जाने कितने आक्रमण सहे, न जाने कितने युद्धों को अपने सामने शुरू और खत्म होते हुए देखा और जाने कितने रक्तपात और वैभव को अपनी मजबूत दीवारों की चौहद्दी में सहेजा समेटा है। हमें लगा कि अतीत को भुलाए जाने के इस दौर में कुछ मशहूर किलों के रोचक ब्यौरे आपके सामने पेश कर दिए जाए और ये सब हम कर पाए राजकमल प्रकाशन से आई गुणाकर मुले की किताब भारत के प्रसिद्ध किले की मदद से। सुंदर तस्वीरों से सजी इस किताब में 15 अलग अलग राज्यों के 90 से अधिक किलों की जानकारी है। गुणाकर ने पुरातत्व जैसे विषयों पर 35 किताबें और करीब 3000 से ज्यादा लेख लिखे हैं। आइए जानते हैं कि इस किताब में जानकारियों का कौन सा खजाना छिपा है। गुणाकर मुले एक दिलचस्प किस्सा बयान करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिकस्त देने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था। उसने पुणे में बने लाल महल पर कब्जा कर लिया, उसके चारों ओर अपनी फौज को तैनात कर दिया। 3 साल होने को आ रहे थे तब भी शाइस्ता खान की फौजें वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। शिवाजी महाराज का मुकाम तब कोंढाणा में था। उन्होंने शाइस्ता खान को मारने की एक साहसिक योजना बनाई। 5 अप्रैल 1663 की रात छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ साथियों को लेकर कोंढाणा से पुणे के लिए रवाना हो गए। वो मुगल फौज को चकमा देकर लाल महल के पास पहुंचे। अपने महल का वो चप्पा चप्पा जानते थे। वो उस कमरे में पहुंचे जहां शाइस्ता खान सो रहा था। उन्होंने जैसे ही अपनी तलवार निकाली पहरेदारों को हमले का पता चल गया। शोर मचा, शोरगुल से खान जाग गया। शैतान शैतान चिल्लाते हुए वो खिड़की के रास्ते बाहर कूदने लगा। ठीक उसी वक्त शिवाजी महाराज ने उस पर वार किया। खान के हाथ की 3 उंगलियां कट गई और उसका बेटा भी मारा गया। शिवाजी महाराज और उनके साथी उसी रात कोंढाणा वापस आ गए। शाइस्ता खान की खूब फजीहत हुई।
औरंगजेब ने खींच कर उसका तबादला बंगाल में कर दिया। ये तो थी शिवाजी महाराज के शौर्य की कहानी। अब आया अंग्रेजों का जमाना। सुनिए इस दौर में राजस्थान का पूर्वी द्वार कहे जाने वाले भरतपुर के किले में क्या हुआ। वही भरतपुर जिसे आप आज बर्ड सेंचुरी की वजह से जानते हैं। भरतपुर के किले का नाम है लोहागढ़ दुर्ग, जिस पर चार बार अंग्रेजों ने हमला किया और चारों बार मुंह की खाई। दरअसल यशवंतराव होलकर को भरतपुर के महाराजा रंजीत सिंह ने शरण दी थी, पर अंग्रेजों को उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया था। नतीजतन अंग्रेजों की सेना ने युद्ध करने की ठानी। जनवरी 1805 में अंग्रेजी फौज ने 5 दिन की तैयारी के बाद भरतपुर के किले पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, पर मिट्टी और पत्थर की बनी बाहरी दीवारों ने उनकी बमबारी को विफल कर दिया। बहुत से अंग्रेज अफसर और सैनिक मारे गए। नतीजतन अंग्रेजी सेना को विवश होकर लौटना पड़ा। 12 दिन बाद अंग्रेजी फौज ने फिर भरतपुर के किले पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उनकी हार हुई। उसके बाद आगे 1 महीने तक अंग्रेज भरतपुर का घेरा डाले वहीं पड़े रहे। अगले महीने अंग्रेजी सेना ने भरतपुर पर तीसरी बार हमला किया। इस बार भी उनकी फौज नगर में नहीं घुस पाई। 1 दिन बाद फिर अंग्रेजों की फौज ने चौथी बार हमला बोला, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। उल्टे रंजीत सिंह और होलकर की फौज परकोटे से बाहर निकलकर अंग्रेजी फौज के साथ भिड़ गई और उसे मार भगाया। अब 5वीं बार तैयारी करके हमला करने की हिम्मत अंग्रेजों की हुई नहीं। इस युद्ध में अंग्रेजी फौज के 3,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। मजबूरन अंग्रेजों को भरतपुर के महाराजा के साथ संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों की इतनी फजीहत भारत के किसी और किले में नहीं। इसी किताब में आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा किले का जिक्र भी आता है। वही गोलकुंडा जिसका नाम सुनकर हमें इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की याद आती है। कहते हैं कोहिनूर, जो अब ब्रिटेन के राजघराने की शान है, गोलकुंडा के पास की हीरों की खानों में मिला था। गोलकुंडा किले के बारे में एक लोक कथा बताई जाती है कि पहाड़ी पर पुराने कच्चे किले के पास एक गडरिया अपनी भेड़े चरा रहा था। घूमते घूमते सुल्तान वहां पहुंचा तो गडरिये ने उससे कहा, जो कोई भी इस पहाड़ी पर मजबूत किला बनवाएगा उसकी 7 पीढ़ियां यहाँ राज करेंगी। सुल्तान को गडरिये की बात जच गई और उसने वहाँ एक मजबूत किला बनवाया। ये सुल्तान था कुली कुतुब शाह, जो इब्राहिम शाह की बेगम भागीरथी का बेटा था। कुतुब शाह पास के चंचलम गांव की नर्तकी भागमती को अपना दिल दे चुका था। इसी गांव में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती के नाम पर भागनगर बसाया। बाद में जब वो महारानी बनी तो उसे हैदरमल की उपाधि दी गई, तो भागनगर को हैदराबाद कहा जाने लगा। हैदराबाद के चार मीनार, जामा मस्जिद जैसी इमारतें मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय में ही बनी हैं। अब अंग्रेजों के उस किले की बात जो उन्होंने कोलकाता में बनाया था। साल था 1690 और तारीख थी 24 अगस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चारनाक के जहाज ने हुगली नदी के सूतानट्टी गाँव के पास लंगर डाला। फिर 7 बरस बाद यानी 1697 में कंपनी ने स्थानीय नवाब से सिर्फ 1200 रुपये में 3 गांव खरीद लिए, सूतानटी, गोविंदपुर और कालीकोता। और इन तीनों के मिलने से एक नई बस्ती बस गई, जो आगे चलकर कलकत्ता नाम से प्रसिद्ध हुई। कलकत्ता कालीकोता का ही रूपांतर है। अब कलकत्ता को फिर से कोलकाता नाम दिया गया है। जाते जाते आपको दिल्ली के दोबारा बसने की भी एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। गयास तुगलक के बेटे मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के दक्षिण में एक छोटा किला बनवाया और उसका नाम रखा आदिलाबाद, क्योंकि वो अपने आप को आदिल यानी न्याय करने वाला कहता था। मुस्लिम यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के शासन के बारे में बताया है। उसने उस घटना का भी जिक्र किया है जब मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी और दिल्ली की जनता को दक्खन के देवगिरी यानी दौलताबाद नगर ले गया था और कुछ बरस बाद वापस भी ले आया था। इब्न बतूता बताते हैं, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को उजाड़ने का विचार कर शहरवासियों के मकान खरीद लिए पूरी पूरी कीमत चुकाकर, और सारी जनता को दौलताबाद जाने को कहा। जब लोगों ने मना कर दिया तो उसने मुनादी पिटवा दी कि अगले 3 दिन के बाद शहर में कोई इंसान न रहे। मजबूरन लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ी, मगर दौलताबाद में उसका मुकाम बहुत थोड़े समय के लिए रहा और उसने अपनी प्रजा को फिर से दिल्ली लौटने का फरमान सुना दिया। इस तरह दिल्ली फिर से बसी। आज की किताबें बातें बस यहीं तक। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक ने। हम जाएं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये भी कि अगर आप भी हमें किताबी बातें के लिए कोई एक किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो हमारा पता है kb@lallantop.com। हम आपके खतों का इंतज़ार करेंगे। जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।